हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वेलकम बैक। वेल बच्चे, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, चैप्टर नंबर वन केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, अब उसी का बेटा सेकंड पार्ट हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में होता क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो बेटा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक कीजिए, यहां से आप जो है उस वीडियो को पूरी देख सकते हैं। तो बेटा आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे, इस वीडियो में जो हमें टॉपिक्स डिस्कशन करने हैं, वो क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो मैं आपको बता दूं। पहले देखिए, यहां पर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शन के बारे में तो बेटा ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसमें तो कोई आपको मुझे लग रहा है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो बेटा मुझे बता देंगे आप। ओके, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम जो है उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप मुझे बस कमेंट करके बता दीजिए कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट डीपली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स कंटिन्यू। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम बात करेंगे बेटा, जिसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स आने पड़ने हैं। सबसे पहला, फर्स्ट वन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सेकेंडली हम बात करेंगे बेटा, यहां पर हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में ही बात करेंगे। थर्डली हम बात करेंगे बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द लास्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये क्या होते हैं, एक्चुअल में इन रिएक्शंस में हो क्या रहा है, दैट वी विल डिस्कस फर्दर इन दिस वीडियो। ओके, देन लेट्स कंटिन्यू। ओके क्लास, देखिए बेटा वन बाय वन हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब होता है क्या। देखो वर्ड, अगर हम बात करें बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, वो भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो इसका मतलब उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, है ना। और जैसा कि बेटा आपको पता है, जब भी रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक्चुअल में एक बॉन्ड टूटता है तो नए बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊँ बेटा, सपोज किया, देखो अगर सपोज करते हैं, हमने कहा बेटा यहाँ पर मेरे पास ए नाम का एक मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, इसको मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ बी नाम के कंपाउंड के साथ, ठीक है। सपोज कि इसका वन मोलिक्यूल, इसके दो मोल्स जो है कंबाइन कर रहे हैं और इसने बनाया आपका ए बी टू, बनाया ए बी टू नाम का एक कंपाउंड बनाया, ठीक है। मैं आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये एक एलिमेंट है या कंपाउंड है, यहाँ पर ये दूसरा एलिमेंट है या कंपाउंड है, इन्होंने मिलकर के बेटा एक कंपाउंड फॉर्मेशन किया। हुआ क्या यहां पर बेटा, देखो यहां पर एक्चुअल में ये दोनों ने मिलकर के एक बॉन्ड फॉर्मेशन किया और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग की वजह से क्या अपना बेटा एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो एक्चुअल में होता है क्या बेटा, जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड टूटता है तो नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है बेटा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो हमारा एक कंपाउंड है या एलिमेंट हमारा है ए, वो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या कर रहा है, कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है इसका मतलब बेटा, देखो क्या है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, अब बड़े की सब्सटेंसेस आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी एलिमेंट्स और इट कैन बी कंपाउंड्स ऑल्सो। ओके, एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट इज द एलिमेंट। एलिमेंट आप सभी को पता है प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी मैटर का। ओके, एंड कंपाउंड्स जो एक्चुअल में क्या होता है, एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन से बनता है, वो भी फिक्स रेशियो में जब कंबाइन करते हैं आपके। क्लियर बात होगी, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, मिक्सअप होते हैं बेटा एक दूसरे के साथ, ठीक है, कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट,
ठीक है बेटा, जिसमें क्या है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा क्या कहते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये होगा ना द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग अ नोट? बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ठीक है ना, यही चीज़ है ना, तो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ओके, तो एक्चुअली बेटा ध्यान रखना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड से एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, मतलब रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, आपको तो ये तो पता ही होगा पहले से, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन और इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड आपको हुआ है। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन जो नया सब्सटेंस बना है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, ये आपको पता है। ठीक है, और जहाँ पर बच्चे आपने दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, क्या क्या एग्जांपल्स है देखिए वन बाय वन। देखिए बेटा, तो आई होप इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई है, इसको मैं रेज कर दूँ, चेक कर लीजिए एक बार, डन, दैट्स गुड, ओके क्लास। देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेकर के बताता हूँ आपको, देखिए लेट्स टेक सम एग्जांपल। देखिए बेटा, आपने ना कभी पढ़ा होगा कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, आपने सुना होगा CaO के बारे में, आपने कभी सुना होगा, सुना ना बेटा, इसको हम कहते हैं क्विक लाइम कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम वो क्या है, क्विक लाइम है। ठीक है, जिसे आप चूना कहते हो, सॉलिड है, ओके। अगर बेटा इसको मैं वाटर में डालता हूँ तो आपको पता है बेटा ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आपका है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम, इसको किस लिए यूज़ करते हैं बेटा? इट इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर बेटा मैंने इसको वाटर के साथ मिक्सअप किया तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, देखिए वाटर आपका लिक्विड, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या निकलेगा बेटा, हीट निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी, क्लियर। और ये जो बना है ना बेटा, इससे हम कहते हैं लाइम वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइम वाटर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? नहीं समझिए, देखो यहाँ पर हुआ कि बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को जो मैंने वाटर के साथ कंबाइन किया तो एक कंपाउंड फॉर्मेशन किया इसने, वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और साथ के साथ बेटा यहाँ पर देखा गया कि हीट भी रिलीज हो रही है, हीट भी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसको हम एक टाइप का रिएक्शन और भी बोल सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे फर्दर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको? ओके, क्लियर, श्योर, चेक इट आउट, डन, क्लियर। अब देखो बेटा, आपने कभी देखा है जब वाइट वॉशिंग आप करते हो, करते ना बेटा वाइट वॉशिंग जब करते हो आप चूने वाले पानी से, लाइन के लाइन वाटर से, तो आपने देखा होगा तुरंत के तुरंत चमक नहीं आती, वो कुछ टाइम के बाद उसमें वाइट कलर की जो है शाइनिंग आती है। और वो क्यों आती है, देखो बेटा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज़ किया बेटा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यूज़ किया है, ये क्या करता है बेटा, एटमॉस्फेयर में जो CO2 गैस प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में जो CO2 गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये फॉर्मेशन करता है कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या फॉर्मेशन करता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर को इवेपोरेट कर देता है वहां से। ठीक है, और वाटर वहां से इवेपोरेट हो ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है ना, वॉल स्पेस है। तो यहाँ पर हुआ कि बेटा देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका था CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद ने क्या बनाया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, और जो कि क्या होता है आपका वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, इसीलिए बेटा आपने देखा होगा जब भी हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो वाइट वॉशिंग करने के कुछ दिनों के बाद ही उसमें चमक आती है, आती है ना बेटा, तो उसी को बेटा हम कहते हैं, इसी देखो इसमें हो क्या रहा है, इसको हमने कहते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया आपका, ये
और उसके बाद जब CO2 कंबाइन होगी तो बेटा उसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया जो कि व्हाइट कलर की शाइनिंग शो करता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपने ध्यान रख लिया, क्लियर है, डन, ओके। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज होती है। यानी कि अगर आप देखोगे, अगर किसी एक बोतल में आपने क्या करा, पानी लिया और पानी में आपने चूना जो है यानी कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्सअप कर दिया, ठीक है, और उसको बेटा अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करेंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, उसमें हीट रिलीज होगी। ओके, जब हीट रिलीज होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ये रहा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड का हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हीट रिलीज हो रही है। ओके, तो ऐसा रिएक्शन बेटा जिसमें हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बात ध्यान रहेगी बेटा, ठीक है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड और रिलीज, ठीक है, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है उसके फॉर्मेशन के साथ साथ, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे बेटा? ठीक है, एक एग्जांपल तो मैंने आपको यहां पर दे दिया, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं हम वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट रिलीज हुई। ऐसे बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप दे सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देंगे। जैसे कभी कभार होता है बेटा कि कोई नेचुरल गैस का जलना, जैसे LPG गैस होगी, CNG गैस होगी, ठीक है, अगर किसी गैस को आप जलाते हैं तो ऑब्वियसली बात, उसमें एक फ्लेम निकलती है और साथ के साथ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, तो डैट मीन्स वो भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम बच्चे बात करें रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो उसको हम फर्दर यहाँ डिस्कस करेंगे, टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। बस देखिए क्लास, अभी मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपको बताया था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो थर्मिक एज यू नो हीट की बात चल रही है बेटा, और यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है। जिस भी रिएक्शन बेटा, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ अगर हीट भी रिलीज हो रही है, यानी कंटेनर आपका जो है जिस वेशन में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपका हीटअप हो जाता है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे आपको एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मेटल्स की अगर बात करें, मेटल्स को जब बेटा एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, और उसमें बेटा साथ साथ हीट, मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। ओके, दैट्स वाई वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर बेटा, जैसे मैंने कहा बेटा मैंने जिंक मेटल लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है जिंक बेटा सॉलिड फॉर्म में होता है, जिंक मेटल लिया और उसमें बेटा मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पर देखा जाएगा जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2 बनेगा आपका एक्वस सॉल्ट, और साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इवोल्यूशन होगा हाइड्रोजन गैस का। ठीक है बेटा, और साथ के साथ में बेटा यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है। ओके, जब भी बेटा हम मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हीट भी रिलीज होती है, वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी जिस भी रिएक्शन में हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, हीट जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है और जो प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन के साथ साथ, तो डैट मीन्स वो आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया बेटा, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से ही आता है, क्या रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन आप सभी को पता है, जब बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा बेटा छोटी क्लासेस में रेस्पिरेशन के बारे में।
रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. व्हाई? ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या बेटा आपका? रेस्पिरेशन. क्यों है? कैसे बताएंगे आप बेटा? देखो बेटा, आप सभी को पता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब आप डाइजेशन करते हैं फूड या फूड को इंटेक करते हैं, तो आपको पता है जब डाइजेशन होता है तो आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपके फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका होता है, प्रोटीन्स उसके अंदर होता है, फैट आपके, ये सब होते हैं. ये क्या करते हैं ना, सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होते हैं. देखो एक्चुअली में होता क्या है, आपको पता होना चाहिए बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट आपके पास होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ब्रेक होकर के बेटा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. ठीक है, ये क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो आपने इंटेक किया फूड में से, कार्बोहाइड्रेट अलग होने के बाद आपको पता है बेटा इंटेस्टाइन में ये क्या होता है, इनके ना ये सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. उनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो ग्लूकोज कहाँ जाता है बेटा? आपका सेल के पास जाता है, हर एक सेल के पास पहुंच जाता है. ठीक है, क्लियर बात हो गया? अब बच्चे जब रेस्पिरेशन आप करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं बेटा, देखो डाइजेशन सिस्टम से तो बेटा आपका ग्लूकोज पहुंच गया सेल के पास, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू यानी कि ब्लड लेकर के आ गया ऑक्सीजन को आपके सेल के पास. तो वहां पर होता है क्या बेटा, ग्लूकोज और सेल का क्या होता है, आपस में रिएक्शन होता है, और से रिएक्शन की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है. ठीक है, देखो कैसे. अब देखो आपके जो सेल में होता है क्या, ग्लूकोज आपको पता है फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज होता है, वो भी एक्वस फॉर्म में होता है. कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान समझना बेटा बात को. अब ऑक्सीजन जो पहुंचा आपके सेल में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब भी यही होता है बेटा, द प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक्चुअल में ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है और वो पूरे सेल के पास पहुंचा जाता है, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके. और वो एनर्जी कैसे मिलेगी बेटा? इस प्रोसेस से मिलेगी. देखो ग्लूकोज पहुंचा, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में बेटा? डिजॉल्व फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में है, वो भी वाटर में, तो इसीलिए एक्वस हो गया. अब ये क्या करेगा बेटा, यहां से ये इसको ब्रेक करेगा, तो यहां से निकलेगा CO2 गैस, निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक्वस फॉर्म में वाटर रिलीज होगा, और साथ के साथ बेटा एनर्जी भी रिलीज होती है. ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस को इसीलिए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज यहां पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद CO2 गैस निकलती है, वाटर निकलता है, और हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है. ओके, फॉर डूइंग एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है, और फूड में से वो भी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ग्लूकोज से मिल गया आपके. ठीक है बेटा, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं बैलेंस कर सकते हैं. कार्बन कितने बेटा यहाँ पर? 6 हैं, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, हाइड्रोजन कितने? 12 हैं, तो यहाँ पर भी 6 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. ठीक है, अब देखो बेटा ऑक्सीजन कितने हो गए वहाँ पर? 6 × 12 = 18 हो गए, यहाँ पर कितने? 6 है, तो इसको कर दो, एक काम करो 6 से मल्टीप्लाई करो, हो गया बैलेंस. ओके, इसीलिए बेटा रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज इन दिस प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ओके, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारा जो सेल है वहां पर CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, और साथ के साथ एनर्जी रिलीज हो रही है. दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके बेटा, बात समझ में आ गई है? अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे बता सकते बेटा. आई होप आपको एक क्लियर हो गया है, समझिए बेटा बात, है ना. इसीलिए बेटा कहते हैं ना कि आपको कि फूड जो है हमारा एज अ फ्यूल माना जाता है बॉडी का, है ना, उसके बिना आपकी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी. ओके, तो ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका हो गया. ठीक है, तो आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सम एग्जांपल्स. ओके, तो अगर बेटा आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए. अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन की. ओके, चले कंटिन्यू करें. चलिए बेटा देखिए बच्चे, आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. ठीक है, देखो बेटा अब बात आती है बेटा वर्ड डिकम्पोजिशन की बात आती है. देखो आपको समझ में आता है बेटा, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन होना. अगर सपोज किया मेरे पास एक कंपाउंड है,
एक मेरे पास एक कंपाउंड है, अब ये ब्रेकडाउन होकर के सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है, कॉम्बिनेशन में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनता है, डिकम्पोजिशन ब्रेकडाउन होकर के कंपाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं। अरे बात समझ में कि नहीं आती बेटा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स गेट्स ब्रेकडाउन इंटू सिंपलर प्रोडक्ट्स दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी कह सकते हैं हम आपको, ठीक है, या ये कह सकते हैं वैन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इंटू सिंपलर टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा, आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बेटा क्वेश्चन ये अराइज होता है, आपने कहा बेटा ठीक है, सही बात है, अच्छी बात है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल जो हमारा रिएक्टेंट है वो टूट करके दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स बना रहा है, लेकिन बेटा क्या ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना बेटा, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अब देखो अगर मुझे इसके कैप को ओपन करना, ब्रेक करना है सपोज किस बॉन्ड को, तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उस पर, है ना, तो वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने आप नहीं होता बेटा, वी हैव टू प्रोवाइड सब एनर्जी, या तो आप उसको हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कीजिए, या फिर आप उसको लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप जो है उसको एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो रिएक्टेंट आपका ब्रेक डाउन होकर के प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन कर सके, ओके, तो डैट मीन्स यहाँ पर हम तीन टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं, और वो क्या क्या है देखो बेटा वन बाय वन बताते हैं। पहली बात, पहला जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले आप थर्मोलाइटिक, किसके बारे में बेटा, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो पहले तो हम बात करते हैं बेटा थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो बेटा ये बेसिकली बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही पार्ट है, बट यहां पर जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं, हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिंग आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट बाई हीटिंग, ठीक है, देखो थर्मो मतलब होता है हीट, हीट, ठीक है, थर्मो मतलब होता है हीट, ठीक है, जब रिएक्शंस आपका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, यानी हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो उसे हम थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग ओके इज कॉल्ड थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चा लोग, आई थिंक आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है, जब बेटा हीट प्रोवाइड करके किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं बेटा क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन तो है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट है, हीट प्रोवाइड करने के बाद हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करूँ, कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं यहाँ पर आपको, पहले देखिए बेटा आपने बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में सुना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड सब्सटेंस है, अगर बेटा इसको मैं हीट करता हूँ, अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा आपका ये, एंड साथ के साथ बेटा ये CO2 गैस भी रिलीज करेगा, इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस आल्सो,
आई बात समझ में कि नहीं? ऐसी बट एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, आयरन सल्फेट के बारे में। जैसे हमारे पास क्या Fe SO4, ठीक है बेटा, ये आपका किस फॉर्म में बेटा होता है आपका, देखो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है आपका, वैसे 7S2O। देखो इसका मतलब क्या, देखिए बेटा नेक्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो फेरस सल्फेट हमारा है ना बेटा, उसके साथ सात मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच्ड होते हैं। वैसे ड्राई फॉर्म में तो रहेगा बेटा, लेकिन उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, तभी जाकर के आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है उस टाइम पे Fe SO4.7S2 को, ये होता है ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है बेटा। अब इसको जब हीट देंगे हम, तो पहले तो बेटा ये कन्वर्ट होता है आपका किसमें, Fe SO4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और Fe SO4 में कन्वर्ट होने पर इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर का हो जाता है बेटा, कैसा होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, मैं बताता हूँ आपको इस तरीके से, देखो ब्राउन कलर का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये ब्राउन कलर का होने के बाद फिर बेटा ये जो सॉलिड फॉर्म में आपका है, फिर इसको जब हीट करते हैं, हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होने के बाद बनाता है Fe2O3 बनाएगा बेटा आपका सॉलिड फॉर्म में, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी यहाँ से, और साथ के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। चेक इट आउट बेटा, चेक कर लीजिए एक बार, आई बात समझ में कि नहीं? तो उसमें हो क्या रहा है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करने पर ये जो Fe SO4 आपका है, ब्राउन कलर का जो हमारे पास सॉल्ट था, ये ब्रेक डाउन होकर के क्या करता है, रेडिश ब्राउन कलर का Fe2O3 बनाता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होती है, और इसका कलर कैसा होता है बेटा, रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। क्लास आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। देखो एक रिएक्शन तो बेटा आप ये ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बन को हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में CO2 गैस निकली। दूसरा बेटा आप ये कर सकते हैं कि Fe SO4 हमारे पास था वाटर क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, इसको हमने हीट किया तो पहले ये बना, फिर जब हमने इसको हीट किया तो बेटा ये डिकम्पोज होकर के Fe2O3 बनाया और SO2 बनाया और साथ में SO3 गैस निकली। ओके बेटा इतनी बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल बेटा है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है फर्दर हम डिस्कस करेंगे, टिल दैट पोज वीडियो नोटिस। देखिए बच्चे अभी बात करते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, हम बात कर रहे थे ना, जिसमें आपको पता है कि हीट हम दे रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा है, वो ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है ना, बात समझ लो बेटा, है ना। ऑब्वियसली बात है जब हीट प्रोवाइड करोगे तो उसके बीच की बॉन्डिंग ब्रेक होगी और वहां से जो है आपके प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होंगे। अब बेटा देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया लेड नाइट्रेट लिया, और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए PbNO32, ये होता है बेटा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसको हमने हीट प्रोवाइड करी तो ये बनाता आपको बेटा लेड ऑक्साइड बनेगा, PbO बनेगा, और साथ में यहां पर NO2 गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है बेटा, और साथ के साथ ऑक्सीजन गैस भी रिमूव होती है, ठीक है। आप बैलेंस करना चाहते हैं बेटा इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे बैलेंस, नाइट्रोजन कितने बेटा यहां पर 2 है, ऑक्सीजन कितने यहां पर 6 है, और यहां पर ऑक्सीजन कितने बेटा 2, 4, तो 6 करने के लिए हम यहां पर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स ओके डन। अब बेटा जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आपको लेड को भी 2 करना पड़ेगा, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, परफेक्ट हो गया, वेरी नाइस। अब देखा कि बेटा जब यहाँ पर लेड तो हो गया बैलेंस, नाइट्रोजन हमारे पास कितने बेटा 2 है, तो उसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, नहीं बेटा देखो नाइट्रोजन हमारे पास हो गया 2 × 2 यानी कि 4 हो गया, तो 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, लेड भी बैलेंस हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बेटा यहाँ पर 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, यहाँ पर 2 हो गए, 8 यहाँ पर हो गए, 10 हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, तो बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आप सुनो बात बेटा, बड़े एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, जब भी लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है, जब भी लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो बेटा वहाँ पर ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, और वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, किसकी होती है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, और वो कौन सी गैस होती है आपकी, सॉरी कलर क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स होती है, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स निकलती है जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, और वो फ्यूम्स जो हमारी होती है
वो बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की होती है, ठीक है। कभी पर एग्जाम में आता ना, लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं तो बताइए बेटा ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है, तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स किसकी है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए दैट ब्राउन फ्यूम इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो उसके बाद कभी कभार पूछ लेते हैं राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको बैलेंस किया जाता है और व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, तो आपको ये याद भी रखना पड़ेगा। ओके, डन, परफेक्टली क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड। देखिए बेटा, अभी तक तो हम बात करते हीट हम दे रहे थे, अब बेटा अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करूं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है? देखो बेटा, आपके यहाँ पर बुक में एक एक्टिविटी भी दे रखी है, देखो क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। देखो, एक आपका आएगा इलेक्ट्रो लाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। मैंने बोला था ना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना बेटा इस टॉपिक में से यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इस टॉपिक को डीपली पढ़ लेना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते ही बनते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में से, ठीक है। तीनों ही आपको पता होना। देखो, जब रिएक्शन हमारा किसके प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन सन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में बेटा आ रही है? राइटिंग में कोई इश्यू होता है तो ये बता देना बेटा मुझे, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? मैं बोल भी हूँ साथ साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, ये पार्ट ना अलग है बिल्कुल। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई। देखिए बेटा, क्लियर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जब डिकम्पोजिशन हो रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं बेटा। देखो, आपको पता है बेटा, जब वाटर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं तो बेटा आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस। तो इसीलिए बेटा डिस्टिल्ड वाटर में कभी भी आपका करंट पास नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना बेटा। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने दे सकता। लेकिन बेटा अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करना है H2O का, वाटर का करना है, ठीक है बेटा, यानी मुझे हाइड्रोजन गैस अलग निकालनी है और ऑक्सीजन गैस अलग निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर बात सुनो, यहां पर मैं वाटर में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दूंगा, यानी कि मैं उसको आयनिक बना दूंगा। आयनिक बनाने से क्या होगा कि आपका जो है एक तरफ H2 गैस निकलेगी और दूसरी तरफ आपकी ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। कैसे? देखो, अब जैसे बेटा हमने कहा ये बीकर हमारे पास है, सपोज कर लीजिए बीकर हमारे पास है, मैंने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड्स आपको पता है क्या होते हैं? नहीं पता तो समझ लीजिए बेटा, आप दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है बेटा। और इसमें मैंने क्या काम करा बेटा, जैसे आपकी बुक में दे रखा है इसको ऐसे ही बना लेते हैं, एक्टिविटी के थ्रू यहाँ लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, बीकर नहीं बेटा, यहाँ पर प्लास्टिक का हमने एक डब्बा ले लिया, मग ले लिया, और यहाँ से हमने क्या करा, वायर का कनेक्शन कर दिया यहाँ से, बैटरी के साथ, ठीक बेटा। बात समझ में आ गई, करंट पास हो रहा, आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट भागता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बेटा हमने क्या करा, इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया, ठीक है, वाटर फिलअप है इसमें, हमने उल्टी करके यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स रख दिया, ठीक है बेटा, दो टेस्ट ट्यूब्स हमने उल्टी करके इसमें ऊपर रख दिए,
कि वाटर था इसमें। ठीक बेटा, देखो इलेक्ट्रोड्स जो मैंने बोला बेटा, इलेक्ट्रोड्स मतलब होता है मेटल्स की जो स्ट्रिप हमने लगा रखी ना बेटा, मेटल्स की जो हमने लगा रखे, ठीक है। यहाँ पर हमने बेटा मेटल्स की जगह पर ग्रेफाइट ले लिया। ग्रेफाइट आपने देखा बेटा, जब आपके पास जो सेल होता है ना, सेल आपने देखा होगा, सेल को जब तोड़ोगे तो उसके अंदर बेटा ना ग्रेफाइट की एक रोड से लगी होती है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब होगा कि बेटा सुनो मेरी बात, अब क्या हुआ, जैसे हमने इसमें करंट को पास करा, जैसे ही हमने इसमें करंट को पास करा तो उसमें क्या था बेटा, H प्लस आयंस थे, ठीक है, H प्लस आयंस थे और O टू माइनस नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब जैसे करंट पास करो तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है आपका किसका, बैटरी का, वो होता है कनेक्टेड कैथोड के साथ, कैथोड के साथ, ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है एनोड के साथ। ठीक है, इसको हम एनोड कहते हैं, इसको हम कैथोड कहते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं वैसे तो। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर आपको डीपली समझाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा, अब होगा क्या बेटा, यहाँ पर आपको पता है बेटा, जो पॉजिटिव वाला है हमारा H प्लस आयंस, वो किस तरह भागेगा, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, और नेगेटिव वाला हमारा किस तरह भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो यानी कि यहाँ पर तो हमारी ऑक्सीजन गैस निकलेगी, यहाँ पर तो हमारी ऑक्सीजन गैस होगी, और यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस आएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर जो हमारा लेवल है ऑक्सीजन का, वो सिर्फ इतना है, मतलब बाकी में पानी पानी है, और हमारा हाइड्रोजन का लेवल क्या है, लगभग इतना है। ठीक है, तो देखा जाए हाइड्रोजन जो गैस होती है आपकी, वो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और हम H प्लस आयंस यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड, बिकॉज आपको पता है डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस टू मेक इट कंडक्टर, कंडक्टिविटी, टू इनक्रीज द कंडक्टिविटी वी हैव टू ऐड H प्लस आयंस, दैट्स वाई ओके वी आर एडिंग H2SO4। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करें तो देखा जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा हमारा 2S2, तो ये हमारा 2S2 जाएगा। ठीक है, बात समझ में, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं वाटर के, जब ये डिसोशिएट होते हैं, जब ये आपके डिकम्पोज होते हैं, तो हमारे पास डबल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस आती है एज कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन गैस। आई बस समझ में कि नहीं आई, ड्यूरिंग दिस इक्वेशन, इस क्राइटेरिया पर हम पहुँचते हैं बेटा कि जो हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी कैथोड पे, दैट विल बी ऑलवेज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज, देख चेक इट आउट। ठीक है, और आपको समझ में आ गया है हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं बेटा बताइए, यहाँ पर क्यों ऐड कर रहे हैं, फॉर द मूवमेंट ऑफ द आयंस। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे तो ये H प्लस आयंस मूव ऑन करते हैं, जिसके वजह से बेटा आयंस जब मूव ऑन करते हैं तभी वहाँ पर कंडक्टिविटी होती है। ओके, और आपकी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या करें, डिकम्पोज कर रहे हैं। ओके, एक और होता है बेटा जो आपके चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन हम बनाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो आपका है ना बेटा, नमक, जो घर का नमक होता है कॉमन सॉल्ट, उसको पानी में घोलते हैं और दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से, और करंट पास कर देते हैं, तो एक तरफ से क्लोरीन गैस निकलती है, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, वो भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बेटा आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं, एक टॉपिक और रह गया हमारा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, लेट्स कंटिन्यू दैट। वेल स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो लेंथी लगती है तो इसलिए बेटा हम ना पार्ट्स को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सो दैट आप इजीली जो है वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा सिर्फ हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को और एंडोथर्मिक रिएक्शंस तक ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा देखिए, एक टॉपिक जो हमारा रहता है, दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपने पढ़ा बेटा फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स होता है लाइट, ऐसे रिएक्शन बेटा जो कि डिकम्पोज हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
सनलाइट के प्रेजेंस में अगर आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने देखा भी होगा बेटा, कुछ जो आपकी मेडिसिन होती हैं, कुछ आपकी जो सिरप्स होती हैं, वो डार्क बॉटल्स में रखी जाती हैं, ठीक है, और लिखा भी रहता है कि डार्क प्लेस में उसको रखिए, बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएंगे और आपके जो मेडिसिन हैं और आपकी जो सिरप्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए वहाँ पर मेंशन होता है प्लेस इट इनटू अ डार्क एंड अ कूल प्लेस। समझो बात को, ठीक है बेटा, तो चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो फोटोलाइटिक का समझ में आया बेटा क्या होता है? क्या होता है देखो, फैन आ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस इन या कह सकते बाय सनलाइट। ओके, बाय सनलाइट उसे हम कहते हैं फोटोलाइटिक, इज कॉल्ड अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी नाइस, ठीक बेटा, ओके। कमेंट जरूर करके जाए बेटा, समझ में आए तब भी, नहीं आता तब भी, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बना करके ला सकूं, ठीक है। अगर आपको लगता है और कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट। ओके, दैट्स बेट, लेट्स कंटिन्यू। देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ बेटा दो ही एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं यहाँ पर। देखिए पहला, जैसे मैंने कहा बेटा मेरे पास सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड के बच्चे जो सॉल्ट होता है वो वाइट कलर का, जैसे हमारा कॉमन सॉल्ट होता है बेटा घर के अंदर जो नमक होता है, वैसा ही इसका कलर होता है। और जैसे ही बेटा इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हम रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, इसको हम एच म्यू से डिनोट करते हैं। एच म्यू क्या होता है? एच होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, म्यू होता है फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको। तो ये बनेगा आपका बेटा सिल्वर, यही रह जाएगा आपका सॉलिड, और क्लोरीन गैस यहाँ से उड़ जाएगी, ठीक है। और होता क्या बेटा यहाँ पर कि इसको पहले बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, तो ये जो वाइट कलर का था और यहाँ से क्या मिलता है बेटा आपको ग्रे कलर का मिलता है, और आपको पता है सिल्वर ग्रे कलर का होता है, क्लोरीन गैस उड़ जाती है डिकम्पोज होने के बाद। ऐसे बेटा एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है, उसमें भी सेम केस होता है, सनलाइट पास करते हैं हम, ठीक है, सनलाइट में रखेंगे तो क्या बनता है आपका, सिल्वर निकलता है यहाँ से और ब्रोमीन गैस उड़ जाती है यहाँ से, ठीक है, रिमूव हो जाती है। ओके, तो इसको हम कहते हैं बेटा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको फोटोलाइटिक कहते हैं। ओके, अब देखो बेटा, आपने एक बात नोटिस की होगी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके हो रहे हैं उसमें हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया था बेटा, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए या किसी भी रिएक्शंस को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। और जहाँ पर बेटा आपको हीट देनी पड़ रही है, यानी जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि जितने भी आपने रिएक्शंस ये पढ़े बेटा, दीज ऑल आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग हीट, और ये हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद डिकम्पोज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे ऑल आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस आल्सो, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आप क्या बताएंगे बेटा यहां पर? एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, अगर आपको यहां समझ में आ रहा है तो वो क्या होता है बेटा, एक बार मैं चेक कर लूं, ठीक है बेटा। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, थर्मिक मतलब तो पता ही बेटा आपको, हीट की बात चल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब
इन विच हीट इज एब्जॉर्ब या एनर्जी इज एब्जॉर्ब भी कह सकते हैं बेटा आप यहाँ पर, ठीक है। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में बेटा सर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में बात करी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और क्या करना है, पढ़ते रहिए, जो भी क्वेरी होती है कमेंट करके बताते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।